इस मूवी को देखने के बाद आपको गूगल पे ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देवर भाभी वीडियो। अरे रुको जरा, सब्र करो, आपने सही सुना। इस मूवी में इंटीमेट सीन्स भर भर के दिखाए गए हैं देवर भाभी के रिलेशनशिप्स के, और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस मूवी में ड्रामा इंटीमेट सीन्स भर भर के हैं, जो कि आपको बोर नहीं होने देंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस मूवी में हमें दो भाइयों के रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताया गया है, जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो एक लड़की के लिए एक दूसरे को बिट्रे भी कर देते हैं। तो आज की मूवी में हम लोग दोस्तों यही देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, एंड एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग हम लोग पियरी एंड हेनरी नाम के दो भाइयों को देखते हैं, जो कि पेशे से पोइट थे। हम लोग देखते हैं ये लोग शादी के लिए लड़कियाँ देखने के लिए जा रहे थे, और ये लोग जाते हैं मैरी के घर पर, जो कि इस मूवी की मेन एक्ट्रेस है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो पियरी था उसको मैरी पसंद थी और मैरी को भी पियरी पसंद था, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर खेल कुछ और ही चल रहा है। मैरी जो है वो हेनरी को पसंद आ जाती है, पर हम देखते हैं पियरी मैरी को एक रूम के पास लेकर जा रहा था, उसे किस करने वाला था, पर तभी वहाँ पर मैरी की मॉम आ जाती हैं और वो मैरी की शादी हेनरी से करवा देती है। अब यहाँ पर जो पास आता वो पूरा ही पलट चुका था, पियरी का कट चुका था, क्योंकि उसे मैरी पसंद थी पर मैरी की शादी हेनरी से हो जाती है, क्योंकि हेनरी जो था वो पियरी से भी ज़्यादा अमीर था, और उनकी जो मॉम थी यानी कि जो मैरी की मॉम थी वो लालची थी, वो चाहती थी उनकी बेटी के लिए एक पैसे वाला पति है। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी हेनरी से करवा दी पियरी के बजाय, क्योंकि हेनरी जो था वो कसम से बहुत ही ज़्यादा अमीर था। अब हम देखते हैं कुछ दिन बीतते हैं और ये दोनों भाई अपनी शादी करने के बाद एक लाइब्रेरी में मिलते हैं। यहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं तो पियरी हेनरी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुम्हें पता था कि मैं मैरी से शादी करने चाहता था, मैं उसे बहुत प्यार करता था और वो भी करती थी। तब गाइस हेनरी यहाँ पर पियरी से कहता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, प्यार एक धोखा है, वो सिर्फ इंटीमेट तक ही था, तुम चाहते थे कि तुम उसके साथ इंटीमेट हो, वो प्यार सिर्फ तभी तक था। अब हम लोग देखते हैं कि जो पियरी होता है वो एक विदेश जाता है कहीं अपनी ट्रिप पे, और वहाँ से एक लड़की लेकर आता है जिसका नाम जोरा था। हमें पता पड़ता है कि पियरी का दूसरा प्यार था जोरा, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था पर लेकिन मैरी से ज़्यादा नहीं। अब एक दिन मैरी जेलस फील करती है तो वो पियरी के पास आती है, जोरा उसे रोकने की कोशिश करती है पर मैरी उसे धक्का देके फिर से अंदर आ जाती है, और वो जोरा के सामने ही पियरी को किस कर देती है, जो कि जोरा को अच्छा नहीं लगता। अब कुछ दिन बीतते हैं और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मैरी थी वो पियरी के पास आती है और कहती है कि तुम मेरा फ़ोटो शूट करो, क्योंकि जो पियरी था वो फ़ोटो शूट में ही माहिर था। मैरी का ये कहने का कारण ये था कि वो चाहती थी कि वो उस फोटो को अपने पास रखे एक पियरी की याद के रूप में। पियरी फोटो खींचने के बाद उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, तो मैरी भी उससे कहती है कि ये शायद मुमकिन नहीं है, और ये लोग फिर से मान जाते हैं रिलेशनशिप में आने के लिए। फिर एक दिन मैरी घर पे लेट आती है तो हेनरी उससे पूछता है कि तुम लेट क्यों आई हो, तो यहाँ पर मैरी कहती है कि मेरा बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात सुनकर हेनरी शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि ये शायद मजाक कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग अब देखते हैं कि जो पियरी था उसने अपना एक फ्लैट ले लिया था हेनरी के रूम के बगल में ही। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि जो हेनरी था उसे पता था कि जो पियरी था वो इस रूम में क्या करता था, वो नई नई लड़कियों को लाता था, उनके साथ मजे करता था। अब हम लोग देखते हैं एक दिन जो मैरी थी वो पियरी के साथ थी रूम में, और ये दोनों आपस में इंटीमेट हो रहे थे। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि जो मैरी थी वो पियरी से पूछती है क्या तुम जोरा से सही में प्यार करते हो, तो पियरी कहता है कि मैं हाँ उससे प्यार करता हूँ पर तुमसे ज़्यादा नहीं। अब हम लोग देखते हैं पियरी मैरी से एक बात कहने वाला था, वो कहता है कि क्या तुम्हें ये मंजूर है कि मैं तुम्हारे साथ साथ किसी और के साथ भी इंटीमेट हूँ, तो यहाँ पर जो मैरी होती है वो उसे मना कर देती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों पोइट तो थे ही, तो पियरी क्या काम करता है कि मैरी के ऊपर एक पोएम लिखता है, यह पोएम वो अपने एक कलीग को दिखाता है, साथ ही साथ वहाँ पर हेनरी भी था, तो हेनरी को लगने लगता है इस पोएम में जो फीमेल किरदार है वो तो मैरी के ऊपर है, पर उसका शक अभी तक अधूरा था। अब एक दिन हम लोग देखते हैं जो मैरी थी वो पियरी के रूम में आ जाती है, और वहाँ पर वो पियरी की डायरी में कुछ दूसरी लड़कियों के फोटो शूट्स देखती है, जिसे देखकर उसके मन में कुछ सवाल उठते हैं, तो वो उन्हें पूछने के लिए पियरी से एक दिन रात को मिलती। हम देखते हैं कि जो पियरी था वो मैरी को उसके रूम पर ले जाके उसके सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है। यहाँ पर मैरी रूम में पियरी से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारी डायरी में से अपनी फोटोज ले सकती हूँ, तो पियरी उसे उसकी फोटोज दे देता है। अब एक दिन हम लोग देखते हैं पार्टी का सीन चल रहा था, ये लोग पार्टी कर रहे थे, वहाँ पर जोरा भी थी। पियरी को जोरा के साथ देखकर जो मैरी थी वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी, तो वो यहाँ पर कहती है अपने हेनरी से कहती है कि अब हमें शायद इस पार्टी से चलना चाहिए, क्योंकि वो पियरी को जोरा के साथ नहीं देख सकती थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हेनरी था उसे कुछ डाउट होने लगता है, तो वो यहाँ पर पियरी के रूम में जाता है, वो वहाँ पर देखता है यहाँ पर जो मैरी है उसकी न्यूड फोटोज़ हैं जो कि पियरी ने खींची थी। अब इस बात को क्लियर करने के लिए हेनरी
मैरी के पास आता है तो मैरी उससे कहती है, मैं शुरू से ही पियरी से प्यार करती थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे शादी करो। हम देखते हैं यहाँ पर ये बातें सुनकर जो हेनरी था वो गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पर मैरी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब हम उसी दिन देखते हैं कि जो मैरी थी वो पियरी के साथ थी, वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, पर इंटीमेट होते होते यहाँ पर जो मैरी थी वो रोने लगी थी, जिसे देखकर पियरी भी परेशान हो गया था। मैरी पियरी से कहती है कि तुम जोरा को छोड़ दो, तो पियरी जोरा के पास आता और उससे कहता है कि तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती। तो यहाँ पर पियरी जोरा को अपने पास से भगा देता है, अपने रूम से, और उसे कहता है कि मेरे पास कभी मत आना। अब जोरा यहाँ पर मैरी से मिलती है, एक क्वेश्चन करती है, पर उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैरी उसे नहीं देती है और उसे भगा देती है। गाइज अब हम लोग देखते हैं जो मैरी थी उसके मन की सारी चीज़ जो थी वो पूरी हो चुकी थी, उसने जोरा को भी भगा दिया था जो कि इसके बीच में कांटा था। गाइज अब हम लोग देखते हैं हेनरी और पियरी एक साथ थे और बातें कर रहे थे, तब हम यहाँ पर हमें पता पड़ता है जो हेनरी था वो पियरी से कहता है कि तुम मेरे पास से, मेरी वाइफ के पास से दूर चले जाओ जिससे कि मैं उसे अपना बना सकूं। इस बात को पियरी मान लेता है और वो जोरा के पास फिर चला जाता है। हम देखते हैं वो मैरी के लिए एक लेटर छोड़ जाता है, जिस लेटर को पढ़ने के बाद मैरी बहुत अपसेट हो जाती है और वो अब खुश नहीं रहती थी। उसने अपनी सिस्टर को अपने पास बुलाया था ताकि उसका जो मन है वो कहीं और बढ़ सके। हम लोग देखते हैं वो अब भी ठीक नहीं हो रही थी, तो उसकी मॉम आती है और वो यहाँ पर हेनरी से कहती है कि तुम उसे थोड़ा एंटरटेन करो जिससे कि वो सही हो जाए। तो हेनरी उसकी मॉम की बात मान लेता है और वो मैरी को अलग अलग कंट्रीज में घुमाने के लिए ले जाता है, जिसके बाद जो मैरी थी वो फिर से वापस पहले जैसी हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं एक दिन मैरी की मुलाकात पियरी के एक फ्रेंड से होती है। पियरी का जो फ्रेंड था वो पेशे से एक राइटर था, जिसकी जो राइटिंग थी वो यहाँ पर जो मैरी थी वो पढ़ा करती थी और उसे बहुत इम्प्रेस होती थी वो। अब हम लोग देखते हैं कि जो पियरी का जो फ्रेंड था वो यहाँ पर मैरी से इम्प्रेस हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो एक दिन मैरी पियरी के फ्रेंड को अपने घर पर बुलाती है डिनर के लिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि मैरी के लिए एक और मछली फंसने वाली थी। यहाँ पर हम देखते हैं एक दिन पियरी का फ्रेंड यहाँ पर मैरी के पास आता है और वहाँ पर इंटीमेट होता है और वो किसी वजह से उसे एक अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। और इस खबर को जैसे ही पियरी सुनता है, वो यहाँ पर मैरी के पास आने वाला था, पर इस खबर को सुनते ही वो फिर से वापस चला जाता है और मैरी से दूर हो जाता है, क्योंकि जो पियरी था उसे अपना जो फ्रेंड था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और उसे लगता था कि उसकी जान मैरी की वजह से गई है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि जो मैरी है उस पर एक बच्चा हुआ है, पर वो बच्चा डेफिनेटली हेनरी का तो नहीं था, वो बच्चा पियरी का था। और वो यहाँ पर मेंशन भी करती है कि ये बच्चा जब मैं लास्ट बार पियरी से मिली थी उसके 9 महीने बाद ही ये बच्चा मुझे हुआ है। अब हम लोग देखते हैं हेनरी इस बात को सुनने के बाद पियरी की मुलाकात फिर से मैरी से करवाता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम दोनों अब साथ रहो, क्योंकि तुम दोनों आपस में अफेयर करो, साथ रहो, और मैं नहीं चाहता कि मैरी अब मेरे साथ रहे, क्योंकि वो मन से तो सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती है। हम दोनों की जो रिलेशनशिप है वो कभी भी एक साथ पूरी नहीं हो पाएगी, तो तुम प्लीज़ मेरी बात को मानो और वापस आ जाओ और मैरी के साथ रहो। तो मैरी क्या करती है, वो पियरी को एक सुझाव देती है कि तुम मेरी सिस्टर से शादी कर लो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास में फ्रेंड ले लो, जिसके कारण हम दोनों एक साथ ही रहेंगे और कभी भी हम दोनों बिछड़ेंगे नहीं। तो इस बात को पियरी को भी अच्छी लगती है, तो वो उसके सिस्टर से शादी कर लेता है और जब भी इन दोनों का मन करता है तो ये दोनों मिलते हैं। आप लोग देख रहे हो कि मैरी का जो पागलपन था पियरी के लिए वो कितने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर था, 1000+ लेवल। हम लोग अब देखते हैं कि जो मैरी थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि जो पियरी था वो उसके पास आ गया था। पियरी क्या करता है कि मैरी की जो न्यूड फोटोज़ थी उन्हें वो जला देता है, जिसके कारण उस धुएं से उसकी जो आँखें थी वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं और फाइनली उस समय बाद पियरी की जो आँखें हैं वो पूरी ख़राब हो जाती हैं। एक दिन पियरी घर में अकेला था और मैरी उसके पास आती है। अब क्योंकि पियरी अंधा हो चुका था और वो अपनी पोइट नहीं लिख सकता था, तो उसकी वो पोइट्री यहाँ पर मैरी पूरा करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और फिर मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।